यूपी के मेरठ में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 60 के पार हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मेरठ प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की थी। इसी बीच अनलॉक 1 के 22वें दिन Live24 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने ग्राउंड जीरो से मेरठ के हालातों का जायजा लिया। अनलॉक 1 का आज 22वां दिन, और अगर आज हम उतरे हैं मेरठ की सड़कों पर मेरठ का जायजा लेने के लिए, आखिर मेरठ के क्या हालात हैं। अगर मेरठ के हालातों की बात करूँ तो कोरोना वायरस की संख्या जो मेरठ में लगातार बढ़ रही है, मेरठ में लगभग 800 के पार मामला पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या भी 65 के पार पहुंच गई है। वहीं अगर हम बात करें ठीक होने की बात कि कितने संक्रमित अब तक ठीक हुए, तकरीबन 400 के लगभग लोग यहां से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद में अनलॉक 1 जैसे ही हुआ, लोग सड़कों पर उतरे और व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब होती थी, लोग अनियंत्रित होकर सड़कों पर निकलने लगे। वहीं किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंस का ना तो पालन करने किया, उसके बाद में ना ही मास्क लोग लगाने लगे। लोगों ने सोचा कि आखिर अब लॉकडाउन खुल गया तो कोरोना वायरस चला गया। लेकिन अनलॉक 1 में लगातार कोरोना वायरस की संख्या जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी लगातार सख्ती से पेश आ रही है। लोग जो बेफालतू के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके चालान भी कर रही है, चेकिंग भी कर रही है, लेकिन लोगों ने हद इतनी कर रखी है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि किस प्रकार से जो वायरस ये चल रहा है उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। केवल दिक्कत उन्हीं लोगों को आती है जो इस चीज़ को देखते हुए संक्रमित हो जाते हैं या उसके परिवार वाले संक्रमित होते हैं, तभी लोग दहशत में आते हैं, वरना उससे पहले लोग अनियंत्रित होकर इस प्रकार से ही घूमते रहते हैं। वहीं अगर मेरठ से बात करें हम चेकिंग की या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी की, लगातार लाख कोशिश के बाद भी इस चैन तोड़ने में नाकामी अब दिख रही है और कोरोना वायरस की जो चैन है लगातार मजबूत होती जा रही है। उसका मेन कारण यह है कि लोग अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कहीं भी देखें तो वहाँ लगातार भीड़ लगी रहती है। वहीं इस मुद्दे पर थोड़ा सा हम बात करने के लिए हमारे साथ CSI साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं और जो लोगों को आप समझा रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार हैं, क्या दिक्कत है आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हम लोग खड़े हुए ड्यूटी भी कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि रॉन्ग साइड नहीं आना है, और रॉन्ग साइड आएंगे दुर्घटना भी होगी। कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है तो हॉस्पिटल तो सारे बंद हैं ही हैं, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो जनता से ये अनुरोध है और अपील भी है कि आप भी मेरठ पुलिस के लिए ज़ोरदार समर्थन कीजिए और इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए मेरठ पुलिस के साथ रहिए। पुलिस ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रहिए। जिस प्रकार पुलिस सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आखिर क्या कारण है कि लोग समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है? रोज़ तकरीबन 200 से 300 के लगभग चालान भी होते हैं, गाड़ियाँ भी सीज होती हैं और उन पर दंडित भी किया जाता है, आखिर क्या कारण है कि लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है? काफ़ी हद तक लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनएजुकेटेड होने की वजह से नहीं मान पा रहे हैं। ये तो सही बात है कि अशिक्षा इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है और इसको भी बार बार हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, अवेयरनेस चला रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको दंडित तो किया ही जा रहा है। फिर हम लोग इनके कुछ फ़ोटो भी खींचते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि मुझे शर्म आती है आपको देखकर, इस प्रकार के कई लोगों भी हम लोगों ने चलाए हुए हैं। अभी हमने बात की है TSI साहब से, मकबूल हसन जी थे जिनसे हमने बात की है, इनका साफ कहना है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती से पेश आने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आखिर इस प्रकार के जो हालात होते जा रहे हैं मेरठ में, उनका मेन कारण, उसके जिम्मेदार खुद लोग खुद ही हैं, क्योंकि ना तो इस वायरस की अभी तक तो कोई वैक्सीन बनी है किसी प्रकार की। लोगों को सिर्फ देखना यही है कि खुद को कैसे बचाया जा सके। अपने सहयोगी गौरव पांडे के साथ धर्मेंद्र कुमार, Live24 में। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Live24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।